वेलकम टू बाइंड एडुटेक एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूड क्लास इन विच वी वर डिस्कसिंग सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 45 में जो पूछा गया था कि मदर स्कंक ऐसा क्यों चाहती थी कि उसका बेटा का जो आइडेंटिटी है वो रिटेन हो जाए, तो रिटेन वर्ड और आइडेंटिटी वर्ड, ये वर्ड उन्हीं लोग को मालूम रहेगा, रिटेन उनको जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी, और आइडेंटिटी का यहाँ क्या मतलब है वो उनको याद रहेगा जो लोग चैप्टर को पढ़े हैं बढ़िया से। तो जब क्योंकि मैंने एकदम सेम वर्ड्स यूज़ किए हैं एक्सप्लेनेशन में कि रॉजर की मम्मी के अनुसार रॉजर का जो बैड स्मेल है वो उसका आइडेंटिटी है, और मैंने इसको डिस्कस में डिटेल्स में डिस्कस किया था चैप्टर के उस पॉइंट पर टेक्स्ट बुक में जब हम थे। तो वो जो देखा होगा वो ये वर्ड्स जानेगा कि यहाँ किस चीज़ को और किसका आइडेंटिटी बोला जा रहा है। तो यहाँ बैड स्मेल को रॉजर स्कंक का बोला जा रहा है आइडेंटिटी। उस हिसाब से ऑप्शंस देखे और फिर मैंने ऑप्शन चुना कि इसमें से सबसे सटीक आंसर जो है वो ये है कि तीनों दिए गए ऑप्शंस में जो कारण हैं बताए गए हैं कि मदर ऐसा क्यों चाहती थी, वो सारे कारण सही लिखे गए हैं। तो ऑल ऑफ दीज चुन लिए। पहला कारण था कि वो एडल्ट थी मम्मी, तो हाँ थी। दूसरा कारण था कि मैच्योर थिंकिंग की थी, तो वो भी सही था, एडल्ट रहेगा तो मैच्योर थिंकिंग होगा ही। और तीसरा था कि उसकी मम्मी चाहती थी कि उसके बेटे को बाकी लिटिल क्रिएचर्स उसी तरह एक्सेप्ट करे, उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह का उसका बेटा है नेचुरली, मतलब हम जैसे हैं तो हमको वैसे ही स्वीकार करोगे, ये उसकी मदर का मानना था। तो ये सारे सही थे, इसीलिए ऑप्शन हम लोग चुने थे ऑल दीज। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में है। सिर्फ पूछा है कि स्टोरी जो है वो किस चीज़ के बारे में है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे अगर एग्जामिनेशन में आए जिसमें सारे चैप्टर्स सिलेबस में जितने हैं उनसे क्वेश्चन पूछना रहेगा, तो उसमें से तुमको ये वर्ड इस क्वेश्चन को पूछेगा जब, तो दिस स्टोरी के जगह वहाँ बता देगा कि शुड विजार्ड हिट मॉमी, स्टोरी वो किस चीज़ के बारे में है। यहाँ नहीं बताया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसी स्टोरी का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अगर ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी बीच में रहे, ये क्वेश्चन व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट, तो इससे कहीं पता चल रहा है कि ये किस स्टोरी की बात की जा रही है। 16 चैप्टर्स हैं हमारे पास पूरा सिलेबस में, इंग्लिश में 5 पोएम्स हैं, तो सब चीज़ में कुछ ना कुछ कहानी रहता है,
तो ये क्वेश्चन से सबसे पहले तो ये नहीं ना पता चल पाएगा कि किस स्टोरी का बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन देगा तो ऐसे नहीं देगा, तुमको बता देगा व्हाट इज द स्टोरी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में स्टोरी का नाम दे देगा, शुड विजार्ड हिट मॉमी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके यहाँ अबाउट। सेम क्वेश्चन मतलब वही है, खाली चैप्टर्स का नाम, चैप्टर के नाम के साथ आएगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। अब इसका ऑप्शंस पढ़िए और देखिए कि जो लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं ऑप्शन में दिए गए बातों में से वो कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये हुआ था चैप्टर में या ये हुआ था चैप्टर में। देखो लिखा है व्हाट, पूछा है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, किस बारे में है। तो पहला ऑप्शन दिया है वर्ल्ड वाइड व्यू ऑफ चिल्ड्रेंस, कि ये स्टोरी इस बारे में है कि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड के प्रति, मतलब पूरी दुनिया सबके प्रति बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये इस कहानी के थ्रू बताया गया है। ये पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड व्यू ऑफ चिल्ड्रेंस, और यहाँ चिल्ड्रेन मतलब वो एज ग्रुप जो मैंने बताया है आपको कि 4 साल से लेकर के 6 साल 7 साल तक के बच्चों की बात की जा रही है इस कहानी के ज़रिए। तो इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो उनका व्यू मतलब तो देखना होता है, तो यहाँ व्यू का ही देखने से ही मतलब निकलता है नज़रिया, देखने का तरीका, ये निकलता है व्यू का मतलब। और वर्ल्ड वाइड का मतलब हो गया पूरी दुनिया को। तो क्वेश्चन बन गया कि इस एज ग्रुप के बच्चे, जिस एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बताया गया स्टोरी में और जिसको रिप्रेजेंट करवाया गया एक कैरेक्टर से, 4 साल की बच्ची जो से, तो ये स्टोरी क्या बताता है, किस बारे में है। पहला ऑप्शन दे दिया कि बच्चों के दृष्टिकोण से दुनिया के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या ये स्टोरी इस बारे में है। दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड्स ऑफ विजार्ड, अब विजार्ड जो पढ़ा होगा कहानी कम से कम उसको तो याद रहेगा कि विजार्ड कौन था, ठीक है, जादूगर। तो क्या ये कहानी इसलिए बताया गया कि इसमें ये बताना चाहते हैं ऑथर कि जादूगरों की दुनिया कैसी होती है। कहानी में एक जादूगर है विजार्ड, तो क्या ये स्टोरी वर्ल्ड्स ऑफ विजार्ड के बारे में बताया में है, उसके बारे में बताया गया है, इस स्टोरी में फोकस किया गया है क्या कि दुनिया कैसी होती है, जादूगरों की दुनिया। तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चंस टू हर फादर, इसका मतलब हुआ कि एक छोटी बच्ची है, ठीक है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है। अब बोलिएगा कि सर ये वर्ल्ड व्यू वाला ऑप्शन ऊपर भी आप एक पहला में आया था, हाँ आया था, देख लो यहाँ आया था वर्ल्ड व्यू। तो यहाँ हम सब बताए कि इस एक खास एज ग्रुप के बच्चे दुनिया के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, क्या क्या समझ होती है उनमें दुनिया के प्रति,
क्या ये कहानी कहानी में क्या ये बताया गया है, क्या कहानी इस चीज़ पर बेस्ड है। अब उसी को वर्ल्ड वाइड वर्ड फिर से यूज़ किया और चिल्ड्रेन के जगह पहले तो यूज़ किया लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल इस कहानी में थी एक जो, एंड इसमें ऐड किया एंड हर क्यूरियस क्वेश्चंस टू हर फादर, कि वो जो लिटिल गर्ल थी वो अपने फादर से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती थी जिसमें उसको कुछ क्यूरियोसिटी होती थी। मतलब क्यूरियस वर्ड और क्यूरियोसिटी वर्ड का मतलब है उत्सुक और उत्सुकता, ठीक है। तो ये क्या ये कहानी एक लिटिल गर्ल के व्यू, वर्ल्ड व्यू के बारे में है, और वो गर्ल अपने फादर से बहुत सारे क्वेश्चंस करती है और वो क्यूरियस है। क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो क्यूरियोसिटी से के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये इस कहानी में बताया गया है? या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इन कुछ इनमें से कोई भी चीज़ इस कहानी में नहीं बताया गया है। कहाँ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, ये कहानी, पूरा कहानी, कहानी में क्योंकि दो कहानियां हैं, डबल लेयर कहानी है, तो ये ऑन द होल ले रहा है कि पूरा कहानी मतलब तुम्हारा चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये चैप्टर में क्या आपको पढ़ने को मिला, किस बारे में पढ़ने को मिला, जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार। तो ये इस तरह का सवाल, अब ये चीज़ कोई टेक्स्ट बुक से तो है नहीं, टेक्स्ट बुक में ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट कहीं। तो ये मैंने स्टोरी के, जब मैंने स्टोरी शुरू किया था ना, तो जो शुरू के ही लेक्चर्स थे जिसमें मैं इंट्रोडक्शन, अबाउट द ऑथर, थीम, ये सब डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर्स, ये सब डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है इस चैप्टर के भी सभी चीज़ों को। तो जो स्टूडेंट उस जगह पे शामिल होगा पढ़ते वक्त, जहाँ मैं ये बता रहा था कि ये कहानी किस बारे में है, वहाँ मैंने लिखा है एग्जैक्ट वर्ड। तो आपको, वैसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स को, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो तो बस भगवान भरोसे टिक लगाएंगे, है ना, ABCD करके कोई भी एक तो लगा दो। लेकिन परेशानी होगा पढ़े हुए बच्चों को, परेशानी होगा क्योंकि ऑप्शन ए में भी जो बात लिखा गया है वो बात सही है, इस कहानी में ये बताया गया है कि बच्चों का दुनिया के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पर कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं कि यही तो बताया गया था। लेकिन अगर वो आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में जो आंसर दिया हुआ है उसमें ऑप्शन ए के आंसर को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि सही है,
लगेगा स्टूडेंट्स को कि ये तो सही है, यही था इस कहानी में. लेकिन सी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, वो सी ऑप्शन में क्या है कि सबसे पहले तो लिटिल गर्ल वर्ड यूज कर लिया, तो मतलब इस कहानी से जुड़ गया, उसमें सिर्फ चिल्ड्रन वर्ड यूज था. और फिर ये जो एडिशनल जानकारी दिया है इस ऑप्शन में कि वो छोटी बच्ची के बहुत सारे प्रश्न थे जो वो पूछती थी अपने फादर को, और वो प्रश्न क्यों पूछती थी, क्वेश्चंस क्यों पूछती थी, व्हाई, बिकॉज शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाट शी हैड बीन टोल्ड. और ये क्यूरियोसिटी उसका डे बाय डे ग्रो कर रहा था फ्रॉम द एज ऑफ 2 years. जब वो 2 साल की थी उस समय से कहानी सुनाना शुरू किया था, तो धीरे धीरे अचानक से क्यूरियोसिटी. पहला ही कहानी में ऐसा नहीं है कि 2 साल की जब जो थी तो कहानी सुनाना शुरू किया था, तो उस समय तो कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहता था जो के मन में, मतलब हर चीज को वो एक्सेप्ट करती थी. ठीक है, नो क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो उम्र में क्यूरियोसिटी का फीचर ही नहीं रहता है. लेकिन 4 साल की उम्र से शुरू होता है लगभग में क्यूरियोसिटी का नेचर, स्वभाव बच्चों में, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं. तो क्योंकि ये ऑप्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए को नहीं चुन करके, और सही आंसर तब होगा जब चुनेंगे ऑप्शन सी. पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड व्यू में वो कंफ्यूज ना हो जाए. ठीक है, और जो पढ़ा हुआ है स्टूडेंट वो तो ये वाला ऑप्शन में तो पढ़ेगा ही नहीं. वर्ल्ड्स ऑफ विजार्ड, क्या इस कहानी में जादूगरों की दुनिया के बारे में बताया गया है, ये तो कहीं नहीं सूट करता है. और ये वर्ड्स जो हैं, अब वर्ल्ड व्यू, ये वर्ड्स नया है कि पहले हम इसको यूज़ कर चुके हैं समझाते वक्त. इसका प्रूफ हम आपको दे सकते हैं. देखिए, जब इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मेरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, तो एकदम बिगनिंग में आ जाओ, शुरुआत में ही जो मैं बोल रहा था इंट्रोडक्शन थीम, तो यहाँ देखो, ये इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ाए थे, ये इसका पूरा वीडियो लेक्चर हम पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें फेबल्स का मतलब बताए थे, ठीक है, और बहुत जो भी चीज़, जो जो वर्ड यहाँ है वो हर चीज़ हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर वाला जो मेरा लेक्चर होगा 20 मिनट का, 25 मिनट का, उसमें मैंने एक ईच एंड एवरी थिंग पढ़ाया है आपको. तो अगर बिना पढ़े बिना देखे अटेम्प्ट करोगे तो कोई फायदा है नहीं. और जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग कोई भी हो, स्टूडेंट किसी स्कूल का हो, किसी, मतलब सॉरी, किसी कॉलेज का हो, किसी भी ये जगह में, क्लास 12th का कोई भी स्टूडेंट जो कहीं पढ़ा हो, ट्यूशंस में पढ़ा हो, या कॉलेज में जो क्लासेस चलते हैं उसमें भी बताया जाता है, तो वो स्टूडेंट्स जो है ना, जो पढ़ चुके हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वीडियोस लेक्चर्स, ये मैंने बताया कि एक टेस्टिंग ये है कि टेस्ट करने का तरीका है कि तुम कितना
तुमको पढ़ाया गया है और कितना तुमको याद है। और जो बच्चों को नहीं पढ़े हैं कहीं, मान लो ट्यूशन भी नहीं पढ़े हैं, कॉलेज में भी नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम देना है, तो उन बच्चों को क्या करना होगा? उन बच्चों को ये सारे वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स, चैप्टर का कंप्लीट जितना भी जाए वो 20-25 मिनट का रहता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि 3 वीडियो 20-20 मिनट का जो है, कितना जितना भी मिनट का है राउंड अबाउट, तो 3 वीडियोस एक क्लास समझ करके बच्चे को अगर मतलब स्टूडेंट अगर पढ़े, कहीं कुछ नहीं पढ़े हो तो, और अगर पढ़ चुके हो तो टेस्ट करने के लिए पढ़ो, ठीक है। 3 वीडियोस देखो, उनमें बताई गई मेरी बातों को सुनो और फिर ये तय करना तुम्हारा काम है, ठीक है, कि वो लोग जो पढ़े हैं उनको ये तय करना है कि जो जानकारियां मैं लेक्चर्स में दे रहा हूँ कहानी के बारे में, क्या उन जानकारियों के बारे में उनको पहले से पता है, क्योंकि वो पढ़े हैं हुए, उनको ये टेस्ट करना है। और जो जो नहीं कहीं पढ़े हैं उनको तो टेस्ट करना नहीं है, उनको बस यही करना है कि एक सिटिंग में 3 वीडियो को एक क्लास की तरह लेकर के, अपना टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो साथ में, ठीक है, और वीडियोस को देखो, टेक्स्ट बुक में जहाँ से आएंगे वहाँ से मिला के देखो लाइन बाय लाइन कि कहाँ से कहाँ तक मैं ले रहा हूँ और फिर उसका मैं क्या मीनिंग्स बता रहा हूँ, क्या एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो ये अगर तुम देख लोगे और अपने पूरे अटेंशन के साथ देख लोगे तो फिर तुम्हारा टास्क जो है वो एकदम आसान हो जाएगा किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। तो ये सब मैं बातें ये मैं बताता हूँ, ये मैंने लिखी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा रहा था कि मोरल इश्यू रेज करता है, ठीक है, और एक बच्ची है जो बहुत क्यूरियस नेचर की है उसके बारे में बता रहा था। देखो ये टेक्स्ट बुक में बिफोर यू रीड में दिया हुआ है, अब जो लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी नहीं सही आंसर चुन पाएगा, और अगर पढ़ा होगा और मतलब ऊपरी ऊपरी सतह से पढ़ा होगा तो गड़बड़ा जाएगा, वर्ल्ड व्यू आंसर वाला वर्ड 2 ऑप्शंस में दे दिया है। देखो यहाँ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैंने ये लेक्चर में डिस्क्राइब किया है, कोई जो भी लेक्चर नंबर रहा हो वो। तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, पढ़ा हुआ रहेगा ना तो कहीं से भी अराइज कर दे, हाँ यू विल हैव नो डिफिकल्टी, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ था वर्ल्ड वाइड ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, ठीक है, और ये भी लिखा हुआ था डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग हर स्टोरी सेशन विथ हर फादर, एग्जैक्ट लाइन है अबाउट, हेयर इज द स्टोरी अबाउट, जो तुमको क्वेश्चन में पूछा कि ये एकदम एग्जैक्ट एक चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, देखें। तो जो अटेंड करेंगे वो ये देखेंगे कि दोनों बात सही बताया गया है और इसमें एक ही बात सिर्फ बताया गया है, तो वो इसको चुनेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में है,
वो स्टूडेंट्स जो स्टोरी सुने भी होंगे अगर अच्छा से कहीं, न सिर्फ सुने होंगे पढ़े भी नहीं होंगे, अगर सुनने होंगे और याद होगा तो वो भी इसका आंसर दे देंगे। हाँ, लेकिन जो लोग सुने भी नहीं होंगे पढ़े भी नहीं होंगे वो लोग के लिए तो चना चबाना जैसा कठिन काम, लोहे का चना चबाना जैसा कठिन काम है। तो वैसे स्टूडेंट्स करते भी क्या हैं, वैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ABCD में जहाँ आँख बंद करके रखा गया अपना पॉइंट, बस बोलते हैं कि यही इसका आंसर है। जो पढ़ा रहेगा वो एकदम सही आंसर चुनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू।